अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। एक बार फिर कोरोना के नाम पर डराने का काम शुरू हुआ है। हमने उस दौर को भी देखा है जिसका सिर्फ तस्करा करते हैं तो दिल दहल जाता है। अब इसे JN1 कहा जाने लगा है। ये नए वेरिएंट को लेकर सेहत महकमा की तैयारियां भी शुरू हुई। कोविड टेस्ट सेंटर के कयाम को भी अंजाम दिया गया। मास्क, बेड, ऑक्सीजन तैयार रखने की हिदायत भी दी गई है। MLA आसिफ सेठ और DC नितेश पाटिल ने BIMS का जायजा लिया है। लिहाजा इसे लेकर ज्यादा खौफ ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, ऐसी भी बात बताई जा रही है। नो प्रॉब्लम इन ला बट नम स्टेट द लास्ट इन द केसेस तेलंगाना मत केरला द ले दे बट स्टिल प्रिपेयर्ड ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಯಾವಾಗು लास्ट टाइम ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗುರುತಿರಲಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗುರುತು ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗುರುತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲ। बेलगाम में एक बार फिर नकली शराब पकड़ी गई है। ये नकली शराब बाहर से आ रही है, बेलगाम से बाहर जा रही है मालूम नहीं, लेकिन एक्साइज की जानिब से शराब के बोतलों से लदी बड़ी ट्रक ही पकड़ी गई। अब इतने बड़े पैमाने पर नकली शराब का कारोबार आखिर हो कैसे रहा है? शराब पकड़ना यकीनन अहम बात है, लेकिन ये कब से शुरू है और कितने सालों से इस तरह का काला धंधा चल रहा है, इसकी तफ्तीश भी जरूर है, आवाम की जानिब से कहा जा रहा है। इन रूवारी यार अंत प्रकरण गोत्ताइए कारण इष्टे ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಮದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೀವಿ। आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से 142 सांसदों को बर्खास्त करने को लेकर एहतजाज किया गया। चन्नम्मा सर्कल से लेकर कांग्रेस भवन तक एहतजाज जारी रहा, जिसमें मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस बार ये भी नजर आया कि कोई बड़ा कांग्रेसी लीडर इसमें मौजूद नहीं था। MLA नॉर्थ आसिफ सेठ, वजीर सतीश जारकीहोली या फिर वजीर लक्ष्मी हब्बाकर ने इसमें क्यों शिरकत नहीं फरमाई, ये भी समझ से बाहर था। वड़गांव आनंद नगर में मुस्तकिल चोरी की वारदातों से अब आवाम ने ही रात में पहरा देना शुरू किया है। पर एक अजीब फैसला ये भी देखने को मिला कि फेरी वालों को यहां दाखला न देने का फैसला समझ से बाहर नजर आ रहा है। चोरी करने वाला क्या फेरी वाला है, इस तरह का गलत पैगाम भी दिया जा सकता है। लिहाजा गरीब जो भी मजदूर फेरी वाले यहाँ दाखिल न हो, यह गलत फैसला है, ऐसा आवाम की जानिब से कहते हुए देखा गया। संभाजी नगर, केशव नगर, आनंद नगर, साई नगर, अन्नपूर्णेश्वरी नगर, इन इलाकों में मुस्तकिल चोरियां होती रही है और ये चोरियां पुलिस महकमा के लिए भी एक चुनौती साबित हो रही है। इतना जरूर पुलिस की जानिब से भी यहाँ गश्त बढ़ा दी गई। 2024 आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब 11 लोगों की फहरिस्त सामने आई है जो उम्मीदवार के ख्वाहिशमंद है, जिसमें अहम चेहरे के तौर पर विनय नावलगट्टी, किरण साधनावर, लक्ष्मी हब्बाड़कर के फर्जन मृणाल हब्बाड़कर, साबिक MLA रमेश कुर्ची सर फहरिस्त देखा जा रहा है। अब अहम मौजू की तरफ बढ़ते हैं। बार बार हम मुल्क की बदलती तस्वीर पर बोलने की कोशिश करते रहते हैं और निशाने पर आपको मुसलमान ही नजर आएंगे, लेकिन मुसलमान अपनी अलग दुनिया में मसरूफ है। आखिर बदलते हालात पर क्यों नहीं बोले जाते, आखिर दीनी सियासी रहनुमा क्यों अवाम को बेदार नहीं करना चाहते, या इन्हें ही खबर नहीं, समझ से बाहर है। कल हमने जज्बात आस्था के नाम पर किस तरह धोखा फरेब अवाम को दिया जाता है, इस पर बात की थी। नए कानून बनाए जा रहे हैं, देशद्रोह राजद्रोह की परिभाषा को बदल दी जा रही है, कानून को और सख्त किया जा रहा है। आप पीछे भी पलट कर देखते हैं तो कानून बदले जा रहे हैं, पर मुल्की सतह पर भी एक तरह की खामोशी नजर आ रही है। अब तो वजीर दाखला यानी गृह मंत्री अमित शाह ने मुकम्मल कमान संभाल ली है और इनके तेवर भी सभी देख रहे हैं। हाल ही में पार्लियामेंट में जो लोग दाखिल हुए थे, इनकी घुसपैठी है, उन्हें भाजपा ही के प्रताप सिन्हा ने एंट्री पास दिया था। उन्होंने स्मोक बम का इस्तेमाल किया, जिसके बाद फिर से मुल्क की सुरक्षा पर सवाल उठाए गए। अब पार्लियामेंट में कोई अब्दुल दाखिल नहीं हुआ था, अच्छा हुआ, ऐसा भी बहुत सारे लोगों का कहना है। खैर, इन चारों के नाम मनोरंजन, नीलम देवी, अमल शिंदे इस तरह हैं।
इन्होंने मोदी हुकूमत के खिलाफ मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी जैसे दहकते मौजूदों पर आवाज उठाई, पर उससे भी बढ़कर संसद की वेल में दाखिल होना मतलब पूरे मुल्क के ही सुरक्षा पर सवाल उठाने के बराबर है। लेकिन जब विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को इसकी जवाबदेही की बात कही तो स्पीकर के साथ मोदी हुकूमत ही को गुस्सा आया और पूरे विपक्ष को ही खामोश बिठाने के लिए 142 सांसदों पर कार्रवाई करने बर्खास्त कर दिया गया। एक बात जरूर है कि अब कानून न्याय व्यवस्था नाम की कोई चीज बची भी नहीं है और पता नहीं अब क्या क्या बिल इस संसद में मंजूर किए जाएंगे क्योंकि विपक्ष ही नहीं है। खैर, पार्लियामेंट में घुसखोरी की तफ्तीश कर्नाटक तक पहुंच चुकी है। एक और को बागलकोट से हिरासत में लिया गया है। बागलकोट से रिटायर्ड पुलिस अफसर के बेटे को गिरफ्तार किया गया। बागलकोट विद्यागिरी से साई कृष्ण जगली को हिरासत में लिया गया। मैसूर के मनोरंजन की तफ्तीश में बागलकोट के जगली का नाम आया है। दिल्ली पुलिस ने बागलकोट ही से इसे गिरफ्तार किया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि 2024 के बाद चुनाव होंगे या नहीं ये भी कह नहीं सकते क्योंकि जो चुनाव आयोग की कमेटी थी उसे भी तरमीम करते हुए उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही निकाल दिया गया। खैर, इन तमाम के बीच भी बहुत कुछ हो रहा है और उन वारदातों का जिक्र इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि जिस समाज पर ही ठीक रहा फूटने वाला है उसे ही खबर नहीं है। मुस्लिम समाज के दिगर पहलू जिसमें मुस्लिम समाज कैसे भटक रहा है उस पर भी हम कल बात करते हैं। लेकिन आज यूपी लखनऊ अकबरपुर पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। जाहिर है अकबरपुर नाम ही से ये मुस्लिम इलाका है मालूम होता है। यूपी के बाद दिगर जगहों पर भी कभी मस्जिद दरगाहों पर बुलडोजर घुमाने की वारदात पेश आई है। बेलगाम में भी कुछ इलाकों के नाम इस तरह रखे क्योंकि ऐसा लगे कि यहाँ ज्यादा मुसलमान नहीं रहते ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सरकारी सहूलतें हम हासिल करें। इस तरह की कुछ लोगों की सोच होती है जैसे उज्जवल नगर, वैभव नगर, वीरभद्र नगर, यहाँ ज्यादातर अक्सरियत मुसलमानों की है लेकिन ये नाम दिए हैं ताकि हम कोई सहूलत हासिल कर सके। लेकिन इतना जरूर है कि हमने गुजरात फसाद में भी देखा है कि जब मुसीबत आती है तो आप कितना भी अपने आप को अलग बताने की कोशिश करो मुसीबत आप पर आकर ही रहेगी। देखिए, जहाँ जिस समाज के लोग रहते हैं उसे उसी तरह के नाम दिए जाते हैं जिसमें कुछ गैर भी नहीं है, पर मुसलमानों में कुछ लोग जरूर से ज्यादा सेक्युलर बनने की कोशिश करते रहते हैं और एक मुस्लिम एरिया को अलग नाम देने से सेक्युलर होने की दलील पेश करने की कोशिश करते रहते हैं। खैर, कुछ लोगों की सोच उस तरह की होती है जिसकी कतई जरूरत नहीं होती। अब तो गाँव के नाम ही बदल दिए जा रहे हैं। खैर, ये एक अलग मौजू है। अकबरपुर कुकरेल रिवर फ्रंट दायरे में आने वाले तकरीबन 1100 दुकानों मकानों को गैर कानूनी कहते हुए अचानक नोटिस चस्पा किया गया और बुलडोजर के जरिए कई मकान दुकानों को तोड़ा भी गया, जिसके बाद वहां के मुकामी लोगों ने एहतजाज किया था। एहतजाजियों को पुलिस ने भगा भगा कर पीटा, कुछ को हिरासत में लिया और खासकर उन लोगों के घरों दुकानों पर पहला बुलडोजर चलाया जो इस मुहिम के खिलाफ है, इनकी उसकी मुखालफत कर रहे हैं। इसके तफसीलात काफी तवील है। इस वारदात का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुसीबत अलग अलग तरीके से एक ही समाज पर आने वाली और इसका एक ही हल हो सकता है, मुत्तहिद होकर मुकाबला करना। अदालत रोकने का फैसला तब देती है जब तकरीबन मकान या दुकान गिराए जा चुके होते हैं। अगस्त में आपने नूह फसाद को भी देखा होगा। नूह फसादात को जिम्मेदार ठहरा कर मुसलमानों के ही मकानों पर बुलडोजर घुमाएगा। बरसों से रिहाइश पजीर रहने के बाद एक ही समाज के मकानात गिराने में हुकूमतों को क्यों दिलचस्पी होती है? क्या भारत के तमाम रियासतों में दिगर समाज के लोगों की गैर कानूनी कॉलोनियां नहीं है? अगर गरीब की हैसियत नहीं है कि यानी लेआउट वाली जगह लेकर लाखों का मकान तामीर करे तो शहर के बाहरी इलाकों में वो मकान ले लेता है, बाद में वो शहर के अंदर आ जाता है, इस तरह की बस्तियां बन जाती है और भारत जैसे घनी आबादी वाले मुल्क में ऐसी तस्वीर आम होती है। पर एक ही समाज के मकानों को 30-40 साल बाद गैर कानूनी कहकर बुलडोजर घुमाना क्या कहा जा सकता है? लिहाजा इस तरह की वारदात से कोई भी शहर बच सकता है कि तवक्को बेकार समझ लीजिए। बेलगाम में भी कई कॉलोनियां हैं जो 100 रुपए के बॉन्ड पर हैं। आज कांग्रेस की हुकूमत है शायद बच जाए, लेकिन जिस तरह तमाम कानून बदले जा रहे हैं और खासकर मुसलमानों को मद्देनजर रखकर ही कानून बदले जा रहे हैं और फिर मुसलमानों को इसी तरह निशाना बनाने के लिए नए नए कानून को थोपा जाने वाला है, इस पर कभी मुस्लिम समाज के उलमा हो या फिर सियासतदान बैठकर मशवरा करते हुए तो देखा नहीं गया। आने वाले दिनों में हालात को समझते हुए बैठकर तबादला ख्याल करें, ठीक है। अगर हालात नहीं भी आते हैं तो मिलजुल कर मशवरे से मंसूबे तो बनाएं, वरना उमूमन ये कहा जाता है कि कुछ नहीं होने वाला है, बेवजह डराया जाता है। लेकिन जिस दिशा में मुल्क की सियासत जा रही है, बड़ी बड़ी तंजीमें जैसे जमीयत है या फिर पर्सनल लॉ बोर्ड है और भी दिगर जमातें हैं, तंजीमें, इदारे हैं जिनको संजीदगी से सोचना होगा। 2024 लोकसभा को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं जहां महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है, लेकिन फिलहाल गोदी मीडिया में चर्चा मोदी की मिमिक्री पर हो रही है।
ये भी एक अफसोस ही कह सकते हैं, जबकि 142 संसदों को सस्पेंड करना बस इस तौर पर मुल्क के जमहूरी ढांचे को ही खत्म करने का इशारा वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने दिया हुआ है। और सच कहा जाए तो कभी कभी ऐसा लगता है कि खत्म हो भी रहा है या हो चुका है, पर इन सब के दरमियान बात घुमा फिरा कर मुसलमानों पर आ जाती है। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम ही एक समाज है जिसकी विचारधारा, उसकी तहजीब किसी और से नहीं मिलती। कुमार स्वामी ने मोदी अमित शाह से मुलाकात फरमाई, इससे पहले मायावती भी भाजपा से अपना गठबंधन कर चुकी है, कांग्रेस के कई नेताओं ने तो भाजपा का घर ही आबाद कर दिया है। आखिर इस फायदे नुकसान के खेल में हारता मुसलमान ही है, लिहाजा तमाम इख्तलाफात से हटकर जमात और मसलकों की सरहदों को मिटाकर एक जगह पर आना वक्त की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सियासत से दूर होना, बिल्कुल नहीं, आप किसी भी पार्टी से जुड़े रहो लेकिन कौमी मसाइल पर कम से कम हक बोलने की जरूरत करो। अकबरपुर में मुसलमानों के साथ कुछ हिंदुओं के भी घर गिराए जा रहे, लेकिन उन्हें मतलब मुसलमानों से ही होता है। आज के मौजू के पीछे मकसद यही था कि मुख्तलिफ महाजों पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे लेकर इस समाज में संजीदगी जरूरी है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हमारे बच्चों के की जो है छत वो छीन ले, इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, हमारे बच्चों की छत हमको छीन ले। कितने साल के? हम लोग 70 साल के, चार पाँच साल से पहले हम 700 में आए मर गए। हम कहिए होगी जिसे ये तो बंद गिरा हम लोग तो मार दे उस मार दे इंडिया वाले मर जाए सारा खत्म हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं। पता बड़े बड़े लड़के हम लोग ब्याह करे ले कहाँ जाए वहाँ आपके क्षेत्र के विधायक को सांसद नहीं आया कोई नहीं एक एक जने बोलो हमको देखो भैया दोनों हाथ से धागो बर्तन बहुत हत्या कर रहे हैं ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही है सभी जिंदगी बर्बाद कर दिया रामदादा आप भगवान का घर बना रहे हैं उससे भगवान भी नहीं खुश होगा कोई भगवान नहीं खुश होगा तुम लाख मंदिर बना दो लाख भगवान बना दो लोग खुश नहीं होते किसी गरीब के घर करके समझे आप भगवान का मंदिर बनाएंगे मस्जिद बनाएंगे लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा उसमें भगवान नहीं बैठेंगे किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो भगवान नहीं बनाएंगे। राम को भक्त बनते हो राम के भक्त बनते हो राम के भक्तों को तकलीफें दे रहे हो वो सरकार सरकार नहीं है जब एक पत्थर की भगवान की इतनी इज्जत जीते जागते इंसानों की इतनी बेकदरी वो सरकार सरकार नहीं है जो गरीबों को बेघर कर दे जो बेसहारों का सहारा छीन ले वो सरकार सरकार नहीं है नहीं है सरकार। 50-60 साल हो गए और बिटिया ये जब से सरकार आई है तब से ये नाश कर रही है। आप लोग कितने मेरे पति हमें उड़ देंगे अपने छुआ उनके कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों के की जो है छत वो छीन ले।